शांति शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति आप शांति शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति काम शांति शांति क्रोध शांति शांति ब्रह्म शांति शांति सर्व शांति शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु 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 अक्षय आचार्य अपनी पीड़ा हम लोगों के साथ बांट सकें क्या इतने भी योग्य नहीं है मेरी पीड़ा मेरी निजी संपत्ति है चंद्रगुप्त उसमें सहभागी होने का प्रयास मत करना विष्णुगुप्त विष्णुगुप्त इसमें दो ही संभावनाएं हैं देव मैं सारी संभावनाएं जानता हूं अनुजदेव पर कौन है वह तक्षशिला का शत्रु जो तक्षशिला में छिपकर तक्षशिला की सत्ता को चुनौती दे रहा है इसमें से कोई भी अपराधी जीवित तो भाग न पाए कल रात आप कहां थे विष्णुगुप्त तक्षशिला में कहां वीथियों में कौन सी वीथी कौन सा मार्ग मैं पथ वधे दोनों से भटक गया हुआ चाहे से सहायता मांगेगा नहीं वो हमें सहायता देने के लिए विवश करेगा रुको सुनो नागरिक रुको हम तुम्हारे मित्र हैं मुझे कुछ तो सोचने दीजिए सेनापति तेरी मेरी मातृभूमि पर आक्रमण होने पर हम चुप क्यों हैं क्या उसकी अस्मिता का कोई मूल्य नहीं यदि तूने इसे अपने दूध से बड़ा किया है तो इस धरती ने भी हमारा पालन किया है मरकर तो तू भी मिट्टी ही होगी पर फिर भी वह मिट्टी हमारी माँ होगी क्या तेरा इस मिट्टी से कोई संबंध नहीं है जा उनका रुदन चुप करा दे जिन्होंने यवनों के हाथों अपना सब कुछ खोया है जा उन यवनों का टहास चुप करा दे क्यों ब्रह्मचारियों ब्राह्मणों व शिक्षकों की सांसों के स्वरों में किसी तूफान का संकेत है अनुजदेव क्यों मुझसे सावधान रहना विष्णुगुप्त और तुम मुझसे गुरुकुल के छात्रों को बंदी बनाया जा सकता है ऐसी स्थिति में भी हमें संयम से काम लेना है पर वे हमें बहुत दिनों तक कारागार में बंदी बनाकर नहीं रख सकेंगे और कारागार में भी हमें कारागार के अधिकारियों को यह प्रतीत कराना है कि हमारा संग्राम हमारी मातृभूमि की मुक्ति का संग्राम है हमें उनके हृदय पर विजय पानी होगी आचार्य विष्णुगुप्त आपको राजप्रासाद में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है उसने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है तुम सब बैठ जाओ
हम भी आपके साथ आएंगे आचार्य। तुम सब निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। पर आचार्य, इतनी आसानी से विष्णुगुप्त नहीं मरेगा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? चलो आज तुम्हारे साथ भी सत्संग हो जाए। मुझे है किसने बुलाया देवी? मैंने ही आपको बुलाया है आचार्य। पर आज्ञा तो आम्भे के नाम पर दी गई है। क्या तक्षशिला के राज परिवार में एक स्त्री का इतना स्थान है कि उसके नाम से आज्ञा दी जा सके? कौन हो तुम? कैकेय राज पर्वतेश्वर की पुत्री। कैकेय राज की पुत्री और यहाँ? अलक्षिंद जाते जाते बहुत सारे समझौते करा गया और एक राजनैतिक समझौते की वेदी पर उसने एक अबला की भावनाओं की हत्या कर दी। राजनैतिक मैत्री के नाम पर वो पर्वतेश्वर की पुत्री का पाणी ग्रहण आम्भी के साथ करा गया। आश्चर्य आपको इस अभिसंधि का पता नहीं है। क्या तक्षशिलाधीश को पता है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है? पता चल जाएगा आचार्य। कल्याणी आम्भी की पत्नी है तो वो इस धरा की पुत्री भी। आप खड़े क्यों है, बैठिए ना। मुझे यहाँ क्यों बुलाया देवी? आचार्य इंद्रदत्त से आपके बारे में बहुत सुना था। एक दृष्टा जीवन दर्शन अपने सभी रूपों में जिसके अंक में पल्लवित होता है तक्षशिला के गुरुकुल में रहता है, उससे मिलने की बड़ी अभिलाषा थी। क्यों? आचार्य इंद्रदत्त ने कहा था कि जब भी अपने स्वजनों की याद आए तो गुरुकुल चले जाना, हर रूप में तू वहां अपने स्वजनों को पाएगी। पर आम्भी की परिणीता को गुरुकुल जाने की आज्ञा नहीं है आचार्य। अपने कुल की मर्यादा का सभी को पालन करना पड़ता है कल्याणी, और स्वजन तो तेरे यहाँ भी हैं। एक ओर पराजित पिता ने राजनीति के चौखट पर कन्यादान कर दिया और दूसरी ओर अपनी ही मातृभूमि को राजनीति की चौखट पर दूसरों को दान देने वाले ने मुझे स्वीकार कर लिया। एक ओर अपने साम्राज्य को टिकाए रखने के लिए एक पराजित सम्राट ने अपनी पुत्री का हाथ छोड़ दिया और दूसरी ओर अपने साम्राज्य के विस्तार को दृष्टि में रख दूसरे शासक ने उसका हाथ थाम लिया। इनमें किसे अपना स्वजन कहूं आचार्य? स्वयं को संभालो कल्याणी। कैसे संभालूं स्वयं को आचार्य? रणभूमि में गिरे मेरे बंधुओं का आर्तनाद आज तक मुझे सुनाई दे रहा है। स्मृति पटल पर खून से लथपथ क्षत विक्षत सहस्त्रों योद्धा मानो मुझे पुकार कर कह रहे हैं, कल्याणी हम आ रहे हैं। ऐसा लगता है मनुष्य और तक्षशिला की विधियों से उठा है, वो मेरे बहुत निकट है, पर तक्षशिला के राजप्रसादों ने उनका मार्ग रोक रखा है। और जब तक्षशिलाधीश के मुख से अपनी ही मातृभूमि की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील अपने ही स्वजनों के विरुद्ध रचे जा रहे षड्यंत्रों को चक्रों का स्वर सुनती हूँ तो मन विद्रोह कर उठता है। सब कुछ तहस नहस कर देने को मन चाहता है, यहाँ से भाग जाने को मन चाहता है, पर मर्यादा मार्ग रोकती है। मैं क्या करूं आचार्य, मैं क्या करूं? जिनमें स्थितियों को बदलने का साहस नहीं होता उन्हें स्थितियों को सहना पड़ता है कल्याणी। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? मेरा अनुभव तो यही कहता है कल्याणी। तो क्या आपकी व्यवस्था में भी मेरी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं? यंत्रणाओं से हार कर तो हर कोई मर सकता है, पर यंत्रणाओं पर विजय पा बहुत कम मुक्त होते हैं कल्याणी। कल्याणी मर जाएगी, मुक्त हो जाएगी, पर उससे क्या होगा? क्या तेरी मुक्ति में ही तेरे प्रश्न का समाधान है? एक कल्याणी यंत्रणाओं से मुक्त हो जाएगी तो दूसरी कल्याणी दूसरी यंत्रणाओं से ग्रस्त हो जाएगी। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आचार्य। तो सुन कल्याणी, इस समाज की मुक्ति में ही तेरी मुक्ति है। यानी मेरी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं? जिन्हें मार्ग दिखाना होता है आज वे ही मार्ग पूछ रहे हैं आचार्य। हाँ कल्याणी, तू स्त्री है इसलिए तेरी ओर मैं और अपेक्षा से देखता हूं। इस संसार को बदलने का सामर्थ्य स्त्री में है, अपने सामर्थ्य को पहचान। अगर स्थितियां स्वीकार नहीं है तो उन्हें बदल। ये स्थितियां ही तो तेरे गर्भ व ज्ञान को चुनौती दे रही हैं, उन्हें स्वीकार कर। याद रख, उत्तर तेरे गर्भ में ही जन्म लेगा।
क्या वो सामर्थ्य मुझे प्राप्त होगा? जिसके भीतर जितना सत्य होगा उसे उतना ही सामर्थ्य प्राप्त होगा कल्याणी। इसलिए कहता हूं, स्थितियों से भागने का प्रयत्न मत कर, उसे लड़। यदि पुरानी मर्यादाएं तेरे मार्ग में आती हैं तो नवीन संरचना कर, जहां तुम मुक्त हो। पुरानी मर्यादाएं स्वयं तेरा मार्ग छोड़ देंगी। उठ, निराश मत हो, अपने को योग्य बना, प्रयास कर। तक्षशिला का भविष्य तो तुझे ही लिखना है, वह तो तेरे अंक में ही आकार लेगा। सुख व शांति का पथ तुम्हें प्राप्त हो कल्याणी। अब राज महिषी से आज्ञा चाहूंगा। कुछ पल रुकिए आचार्य, मैं अभी आई। कल्याणी की ओर से यह स्वीकार कीजिए आचार्य। स्त्रीधन में मेरे पिता से प्राप्त बहुमूल्य रत्न। इस पर सिर्फ तेरा अधिकार है कल्याणी। क्या इस राष्ट्र का मुझ पर कोई अधिकार नहीं? क्या आप भी मेरे मार्ग में बाधा डालेंगे? मातृतुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हे मातृतुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोचलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है पढ़े चलो बढ़े चलो। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोचलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है पढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्यताहसी, सपूर्ण मातृभूमि के रूपोन शूर साहसी। असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्यताहसी, सपूर्ण मातृभूमि के रूपोन शूर साहसी। विद्रोहियों को बंदी बनाओ और उसे कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्यदासी, सपूर्ण मातृभूमि के रूपो न शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो सैनिकों, ये तक्षशिलाधीश का आदेश है, विद्रोहियों को बंदी बना लो। हे
बुद्धि मातृभंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी सपूत मातृभूमि के रूपो न शूर साहसी अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो मेरे देशवासियों यवन आक्रांताओं से इस राष्ट्र की मुक्ति के लिए सहस्रों छात्र सहस्रों योद्धा इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए निकल पड़े हैं हो सके तो उनके मार्ग को प्रशस्त करना पर उनके मार्ग की बाधा मत बनना यवन हमारे शत्रु हैं और यवनों से इस राष्ट्र को मुक्ति दिलाना हमारा लक्ष्य है और जो कोई भी हमारे मार्ग में बाधक सिद्ध होगा मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा इस राष्ट्र के गौरव की रक्षा करने का उत्तरदायित्व इस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का है इस राष्ट्र के गौरव को अब कलंकित मत होने देना निर्भय और निडर होकर यवनों के शासन का विरोध करो उन शासकों का विरोध करो जो यवनों का साथ देने में अपना गौरव समझते हो इस राष्ट्र के भाग्य विधाता तुम हो अपने भय और पराजित भाव के कवच को तोड़कर बाहर आओ इस राष्ट्र की जय करो विजय निश्चित है हर हर महादेव हर हर महादेव अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो सेनापति क्लाइटार्कस को सावधान रहने को कहा जाए तक्षशिला की स्थिति का विस्तृत विवरण तुरंत मुझ तक पहुंचाने का आदेश दिया जाए आम्भी को क्लाइटार्कस की किसी भी प्रकार की सहायता करने का आदेश दिया जाए क्षत्र पोरस वोन का मंत्री आपकी सेवा में उपस्थित है भेजो उन्हें शत्रुघ्न ने आपको मिलने की अनुमति दी है जा सकते हैं आप लोग तुम्हारा स्वागत है पोरस शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है कैके के ग्रामों में क्या हो रहा है पोरस क्षत्रप मैं आपको सूचना देने वाला ही था पर हमें सूचना पहले प्राप्त हो गई तुम्हारे गुप्तचर पहले तुम्हें सूचना देंगे क्योंकि तुम उनके शासक हो हम नहीं हम आक्रांता हैं यही हमारा दोष है हम में विजयी होने की क्षमता है यही हमारा दुर्भाग्य है यही सच है ना पोरस क्षत्रप मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था क्या तुम्हें प्रतीक्षा की आवश्यकता महसूस हुई या तुम्हारे मंत्रियों ने तुम्हें यह सलाह दी कि क्षत्रप के आदेश की प्रतीक्षा के नाम पर स्थितियों को थोड़ा और बिगड़ने दो ताकि सचमुच यवनों को इस भूमि से हटाया जा सके आप हमारे मित्र हैं क्षत्रप हम तुम्हारे शासक हैं पोरस पूरे भारत के शासक हम तुम्हारी दया पर यहां नहीं जी रहे हैं हमारे खड़क में शक्ति है वो तुमसे शत्रुता का निर्वाह भी कर सकती है कुछ सिरफिरे गांधार व केकेय से डाकुओं को जमा कर यवन सत्ता को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं और आप मेरे आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं गांधार के ब्राह्मण व ब्रह्मचारी गांधार और केकेय के गांवों में घूम घूम कर यवनों के विरुद्ध लोगों को भड़का रहे हैं
और के राज अपने सीमा में हो रहे उत्पात को रोकने के लिए मेरे आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहीं आप भी तो उन मूर्ख ब्राह्मणों की तरह यवनों के नाश की प्रतीक्षा तो नहीं कर रहे ना के राज? मैंने अलक्षेंद्र से मित्रता का हाथ मिलाया है क्षत्रप, तो जीवन पर्यंत उसका निर्वाह भी करूंगा। यहां आपकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व जब हमारा है तो यवनों के नाश की कल्पना कैसे कर सकते हैं हम? तो उन विद्रोहियों का सर लाकर दो हमें जो यवन सत्ता को उखाड़ना चाहते हैं। एक भी मस्तक जो यवनों के विरुद्ध उठा हो, या तो यवनों के कदमों में झुका हो, या अपने धड़ से अलग यवनों की ठोकरों में हो। यदि आप नहीं कर सके तो मेरे सैनिक अपने राज्य की रक्षा करना जानते हैं पोरस। अब आप जा सकते हैं। अपने मन से कटुता निकाल दीजिए क्षत्रप। मैं इस पर विचार करूंगा। प्रणाम क्षत्रप। प्रणाम। पोरस, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। आपने अभी अभी कहा था कि आप हमारे मित्र हैं, तो आपको स्मरण करा देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। अलक्षेंद्र राजा थे, उन्होंने एक राजा के साथ राजा की तरह व्यवहार किया, पर मैं अलक्षेंद्र का क्षत्रप हूं, यवन साम्राज्य का सेवक। यदि आप विद्रोहियों का नाश नहीं कर सके तो एक सेवक दूसरे के साथ सेवक सा ही व्यवहार करेगा। कहां जा सकता है वह ब्राह्मण? प्रत्येक घर की तलाशी क्यों नहीं करवा लेते तक्षशिलाधीश? असंभव है। मैंने पहले ही कहा था उस ब्राह्मण को बंदी बना लो। उसे बंदी तो अब भी नहीं बनाया जा सकता क्लाइटकस, उसे केवल समझाया जा सकता है, मनाया जा सकता है। क्या वो मान जाएगा? ये मैं कैसे कह सकता हूं? पर वो है कहां? संभवतः कांधार में भी ना हो। तो मार्ग क्या है क्षत्र? फिलिपस को हम क्या उत्तर देंगे तक्षशिलाधीश? तुम्हारे पास क्यों मार्ग है मुझे? मैं तो आपकी आज्ञा का दास हूं तक्षशिलाधीश। मैं तुमसे मार्ग पूछ रहा हूं अनुजदेव। क्षमा करे देव, पर मैं स्वामी के हित में सत्य ही कहूंगा। गंधक के ढेर पर बैठी हुई तक्षशिला नगरी किसी चिंगारी की प्रतीक्षा कर रही है, किसी क्षण भी विस्फोट हो सकता है। अनुज, क्या हो गया है तुम्हारी बुद्धि को? इसीलिए मैं निवेदन करूंगा जहां तक हो सके संघर्ष की स्थिति को टाला जाए, वह क्षत्र फिलिपस को आगमन की सूचना भेजी जाए। तब तक हम क्या करेंगे? स्थितियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास। और यदि स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो गई तो? तो विद्रोहियों की हत्या कर दी जाए। नहीं तक्षशिलाधीश, उन्हें फांसी पर लटकाया जाए ताकि विद्रोहियों को व उनका समर्थन करने वाले जन सामान्य में भय उत्पन्न हो। पर तक्षशिला के निकटवर्ती ग्रामों और नगरों में हो रहे उत्पात को कैसे नियंत्रित कर पाएंगे सेनापति क्लाइटकस? यवन सैनिकों को वहां भेजा जा सकता है। ठीक है, यवन सैनिक विद्रोहियों पर नियंत्रण पाने के लिए तक्षशिला से बाहर जाए, हमारी सेना भी उनका साथ देगी। और यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो क्षत्रप फिलिपस को तक्षशिला आने की सूचना भेजी जाए। और तब तक अनुज, तुम तक्षशिला पर नियंत्रण रखना व उस ब्राह्मण को ढूंढने का प्रयास करना। किसी भी प्रकार वह ब्राह्मण हमारे हाथ लगना चाहिए। अब जीने का मन नहीं करता है इंद्रदत्त। अलक्षेंद्र के हाथों युद्ध में पराजित हो कितना अपमानित महसूस नहीं करता था जितना आज उसके दास के हाथों बिना युद्ध किए अपमानित हो रहा हूं। कल्याणी शायद ठीक ही कहती थी कि मैं मरने से डरता था। मातृभूमि की रक्षा तो हम नहीं कर पाए और आज जो रण बांकुरे अपनी मातृभूमि को मुक्त करने कराने निकल पड़े हैं
उन्हें रोकना पड़ रहा है। कैसी विडंबना है ये इंद्रदत्त, कैसी विडंबना। भाग्य का लिखा आप कैसे बदल पाएंगे सम्राट? तुम भी मुझे सांत्वना ही दे रहे हो इंद्रदत्त। मोह नहीं छूटता इंद्रदत्त, सत्ता का मोह नहीं छूटता। एक बार जो शासन के आसन पर बैठ जाए उसका मोह छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। नौ नौ घाव सहकर जो पर्वतेश्वर गर्वोन्नत मस्तक उठा लक्ष्मेंद्र के समक्ष जा खड़ा हुआ था, वही पर्वतेश्वर उसके एक दास के हाथों अपमानित होता आ रहा है। क्यों क्यों पर्वतेश्वर इतना विवश है? वृद्धावस्था में भी जीवन का मोह क्यों नहीं छूटता? क्या तुम भी मेरा साथ देने के लिए विवश हो? मैं आपका सेवक हूं सम्राट। मन चाहे तो सेवा करना, पर दास नहीं बनना इंद्रदत्त, क्योंकि दास की अपनी कोई गरिमा नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं होती है। वरना मैं कल्याणी का हाथ आंभी के हाथ में कदापि नहीं देता। पर अब क्या हो सकता है? मैं आचार्य विष्णुगुप्त से मिलने का प्रयत्न करूं। क्यों? संभवतः सम्मान से जीने का कोई मार्ग मिल जाए। विद्रोह के सूत्रधार भी तो वही है ना। काश विष्णुगुप्त तुम्हारा कहा मैंने पहले माना होता। आपने कोई उत्तर नहीं दिया सम्राट। अब हम प्रयत्न ही तो कर सकते हैं इंद्रदत्त, तो वह भी करके देख लो। गांधार में विद्रोह पर नियंत्रण पाना आम भी व क्लैटरकस के लिए कठिन होगा, और विद्रोह से बढ़कर विद्रोह की सूचना यवनों के मनोबल को तोड़ेगी। इससे अन्य जनपदों में विद्रोह के लिए प्रयत्नशील हमारे सहयोगियों व नागरिकों का मनोबल बढ़ेगा। अश्वाटकों ने अलक्षेंद्र के भारत में रहते ही विद्रोह किया था, अतः वहां गांधार में विद्रोह की सूचना प्राप्त होते ही पुनः विद्रोह होने की संभावना है। क्षत्रप कैकेय में हुए जागरण से अनभिज्ञ नहीं होगा, अतः वह विद्रोह को कुचलने का पूरा प्रयास करेगा। हमें उसे अपने नगर से बाहर निकाल तक्षशिला की ओर प्रयाण करने के लिए विवश करना होगा और वहां निकलेगा। फिलिपस हमारा पहला लक्ष्य है, हमें उसे मार्ग में ही साधना होगा। पर क्या यह संभव है आचार्य? कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। आपने कोई योजना बनाई है आचार्य? सेरण, हमें अपने लोगों की सहानुभूति चाहिए। यदि हम फिलिपस की सेना के भारतीय योद्धाओं में असंतोष उत्पन्न कर सकें तो जो हथियार हमारे लोगों पर उठते हैं वे यवन योद्धाओं पर भी उठ सकते हैं। मैं समझा नहीं आचार्य। यवन सेना में कितने यवन हैं? अधिकांशतः पराजित जनपदों के भृत योद्धा व अन्य सैनिकों में बाख्त्री व पारसपुरी के योद्धा हैं। यवन सेना का अपना मौलबल कितना है? फिलिपस भी हमारे शासकों की शक्ति पर निर्भर करता है, पर उनमें विद्रोह करने का साहस नहीं है, इसलिए वे यवनों के दास बने हुए हैं। पर भारतीय योद्धाओं को फिलिपस के विरुद्ध कैसे किया जा सकता है आचार्य? यवनों के साथ संघर्ष की स्थिति में यदि हम भारतीय योद्धाओं को जीवनदान देते रहे और लक्ष्य मात्र यवन योद्धाओं को बनाते रहे तो यह भी संभव है। अक्षय, हमें अपने भारतीय योद्धाओं को विचार करने के लिए विवश करना है, उन्हें रणभूमि से जीवित लौटने देना है, और हमारे साथ साथ हमारे भारतीय योद्धाओं तक हमारा संदेश हमारे क्रांतिकारी पहुंचाएंगे। जैसे जैसे फिलिपस तक्षशिला की ओर बढ़ेगा, कैकेय के विभिन्न जनपदों से स्वतंत्रता संग्राम का स्वर उठेगा। हम फिलिपस के भृत योद्धाओं को साधने का प्रयत्न करेंगे, और फिलिपस ने एक भी भूल की तो। क्षत्रप फिलिपस के गिरते ही भारत में यवन शासन निर्णयात्मक शक्ति के अभाव में विकेंद्रित हो जाएगा। यवन सेनाधिकारी निर्णय करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, इससे यवनों के बीच घोर अस्पष्टता जन्म लेगी और हम अन्य जनपदों को यवनों का आधिपत्य अस्वीकार करने के लिए आसानी से प्रेरित कर पाएंगे। हमें सफल होना ही है,
किसी भी समय तक्षशिला में विश्राम कर रही यमन सेना यहाँ पहुंच सकती है। आचार्य, हम प्राण करने के लिए तैयार हैं। चंद्रगुप्त, मैं छात्रों के साथ दूसरे नगर जा रहा हूं, पर सावधान रहना। संभालिएगा आचार्य। मां भारती तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे। आंधी से तुम पासों में नहीं जीत सकती देवी। देखते हैं अब तुम्हारा प्रारब्ध क्या कहता है। लो रूपा, तुम हार गई। कल्याणी, तुम कभी पासे नहीं खेलती। लो, आज तुम पासे फेंको, दाव मैं लगाऊंगा। नहीं, मैं खेलना नहीं जानती। तो सीख जाओगी, कभी ना कभी तो प्रारंभ करना ही पड़ता है। कल्याणी, क्षमा कीजिए स्वामी, यह भी एक कला है। कल्याणी, अनेकों साम्राज्य इस चौपट पर बनते हैं और बिगड़ते हैं, इसे भी सीखो। मैंने तो सिर्फ बिगड़ते साम्राज्यों की कथा सुनी है स्वामी। क्या पासे न खेलने की शिक्षा तुम्हें तुम्हारे पिता ने दी है कल्याणी? सच तो ये है कि मैं खेलना नहीं चाहती। अरे, और सच में दाव पर कुछ लगाने को कौन कह रहा है? झूठ मूठ में तो खेल ही सकती हो। कहो, क्या दाव पर लगाती हो कल्याणी? देखे तुम्हारा प्रारब्ध। मेरे पास क्या है? जो है सब कुछ आप ही का तो है स्वामी। अरे, झूठ में ही तो लगाना है, सच में कहाँ कुछ देना पड़ रहा है। नहीं रूपा। ठीक है, मैं कल्याणी की ओर से दाव लगाती हूँ। कहो, जल्दी कहो रूपा। केकई का राज्य, संख्या 8 आई तो केकई आपका। लो, ये हुई केकई पर हमारी विजय। निराश न हो स्वामी, फिर प्रयास कर देखिए, आज नहीं तो कल वह आपका ही होगा। प्रणाम तक्षिलाधीश। क्या सूचना लाए हो सौष्ठव? सूचना गंभीर है देव। तक्षशिला के निकटवर्ती नगरों और ग्रामों में विद्रोहियों ने जनमानस को भड़का रखा है। जनमानस विद्रोहियों के साथ हो रहा है। विद्रोहियों ने विशाल भृतक सेना भी एकत्र कर ली है। जो कोई भी विद्रोहियों का विरोध करता है वह जीवित नहीं बचता है। राजकीय सैनिकों का मार्ग जन समुदाय ने रोक रखा है। जो राजभक्त साहस करता है उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। धीरे धीरे वे तक्षशिला की ओर बढ़ रहे हैं। यदि स्थिति को नियंत्रण में नहीं लिया गया तो भयानक विस्फोट हो सकता है और उस विस्फोट से तक्षशिला भी अछूती नहीं रहेगी। इस समय विद्रोही कहां घूम रहे हैं? सौरभ नगरी के समीपवर्ती क्षेत्र में। सौष्ठव, आज ही यवन सेना को प्रयाण करने का आदेश दे दिया जाए। तुम इसी समय प्रस्थान करो। वह अपनी गुप्तचर संस्था को विद्रोहियों की स्थिति की सूचना यवन सेना नायक को निरंतर देने की व्यवस्था करो। किसी भी स्थिति में हमें विद्रोहियों पर नियंत्रण पाना है सौष्ठव। जाओ। जो आज्ञा तक्षशिलाधीश। प्रणाम क्षत्रप। कहो। क्षत्रप, कहके के ग्रामों में जनमानस में स्वतंत्रता का प्रचार करने वालों को बंदी बनाया जा चुका है। तुम भी उन्हीं की भाषा में बोल रहे हो? मैं समझा नहीं क्षत्रप। जिन्हें तुम बंदी बनाकर लाए हो वे यवन शासन के अपराधी हैं या इस भूमि के सपूत? मैं यवन शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले अपराधियों को बंदी बनाकर लाया हूं क्षत्रप। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा सेनापति कि शब्दों को बदलने से अपने ही कथन का अर्थ बदल जाता है। हाँ क्षत्रप। तो तुम्हारे यहां सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने का क्या दंड है? मृत्यु दंड। पर ब्राह्मण अवध्य है। पर यवन शासन में नहीं, उन्हें ग्राम व नगरों की सीमा पर लटका दिया जाए ताकि लोग उन्हें देख सकें। यवन सेनाधिकारी समय मिलने पर उन्हें देख जाएंगे। जो आज्ञा क्षत्रप। और के राज पोरस से कहना मैं राज्य में शांति देखना चाहता हूं। जो आज्ञा क्षत्रप।
हटाओ युद्ध भूमि से। नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या वैलवाः युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः यस्या गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या वैलवाः युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः यस्या गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या वैलवाः युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः यस्या गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या वैलवाः युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः यस्या गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या वैलवाः युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः यस्या गायन्ति नृत्यन्ति भूम्या